बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी 4.5 पेज नंबर 92। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यानी कि मोमेंट्स कौन सी होती हैं। अक्सर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ ये, और हम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द साइंस स्टडी हम यही पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट्स जो हैं वो अकर होती हैं बॉडी में। बॉडी में बेसिकली टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक मोमेंट्स होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक होती है जिसमें हम घड़ी के 12 से 12 तक चलते हैं, और एक में होती है हम रिवर्स टाइप ऑफ 12 चलते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो 12 से 1 2 3 4 चलता है, और एक जो है वो 11 10 9 8 इस तरीके से चलती है। जो 12 से फॉरवर्ड मूव करती है वो होती है आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और जो 12 से पीछे मूव करती है वो होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब बात ये आती है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्यों है। ये टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक मोमेंट्स है, एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमने हमेशा पीछे भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, उसमें यही हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, उनमें यही हुआ था कि हम वो पॉइंट देखते हैं जिस पे आके दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करती हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कायम होता है, यानी कि आपका इतदाल कायम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे भी जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है इसमें यही देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसमें आकर ये दोनों फोर्सेज जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एक दूसरे के अफेक्ट को, नेट अफेक्ट को कैंसिल कर रही होती है, ठीक है। यानी कि अफेक्ट इज इक्वल टू 0, यानी इक्विलिब्रियम कायम होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। वैसे मैंने आपको पिक्चर्स में यहाँ मेंशन कर दिया है। एक आपके पास जो पहली पिक्चर है उसमें देख रहे हैं आपके क्लॉक का जो मूवमेंट है वो हैंड क्लॉक के जो हैंड्स हैं, यानी कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो 12 से आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि 1 2 3 की तरफ मूव करेंगे। तो दैट इज सेट टू बी द क्लॉक वाइज मूवमेंट। और एक जो आपकी सेकेंड पिक्चर है उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो क्लॉक की ये हैंड्स हैं, यानी कि घड़ी की सुइयाँ हैं, वो पीछे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि 11 10 9 8 7 6। तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और आगे आपको पर्पल पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कंपेरिजन दिया हुआ है, तो वो वहाँ से आपको जो है वो ये इसका अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारी रीडिंग। अ फोर्स दैट टर्न अ स्पैनर, स्पैनर मीन चाबी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको हम रेंच भी कहते हैं। इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज टू टाइटन अ नट एज शोन इन दैट फिगर। हाँ जी, तो फिगर में हमें यह बताया हुआ है उन्होंने, तो आपको यहाँ पे साइड पे फिगर में आपको जो बताया हुआ है वो इन्होंने ये बताया हुआ है कि आप एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि एक चाबी की, यानी कि रेंच की, स्पैनर की, कि आप जब एक नट को टाइट करते हैं तो आप उसको टाइट करते हुए जो है वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और उसको जो आप लूज कर रहे होते हैं तो वो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि आप नट को पीछे की तरफ घुमाते हैं जब आप उसको खोल रहे होते हैं, यानी कि दैट इज सेट टू बी द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जब नट को आप टाइट कर रहे होते हैं तो उसको आप आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, दैट इज सेट टू बी द क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द टॉर्क और द मूवमेंट ऑफ द फोर्स इज प्रोड्यूस, फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो जब आप नट को टाइट कर रहे होते हैं उस सूरत में जो आपके पास फोर्स प्रोड्यूस होती है, दैट इज सेट टू बी द क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड टू लूजन अ नट, अच्छा ठीक है, इधर से आपको उन्होंने सिर्फ यही एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आप स्पैनर को आप देखें, आप अगर नट को टाइट करते हैं तो वहाँ पे आप जो मूवमेंट अप्लाई करते हैं वो क्लॉकवाइज है। जब उसको खोलते हैं यानी कि उसको ढीला करते हैं टू लूज अ नट, तो आप उस वक्त जो मूवमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे है डेफिनेशंस क्लॉकवाइज मूवमेंट की और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की, वो आप देख लें। मैं आपको सेपरेटली भी डेफिनेशंस लिख दूंगी, और आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक उसकी डेफिनेशन है भी है, तो वो आप देखेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट की। द टॉर्क और द मोमेंट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी मूव इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन इज सेड टू बी द क्लॉक वाइज मूवमेंट, एंड द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी मूव्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। आपको सेपरेटली लिखवा रही हूँ, सेपरेटली मैंशन कर रही हूँ, तो आपको मैं आगे पिक्चर में मैंशन कर दूंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट डजंट रोटेट इफ सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में यानी प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ एवरी थिंग, जहाँ पे हमने जो प्रिंसिपल्स लगाने होते हैं, तो वहाँ पे हम यही देखते हैं कि जब वो पॉइंट कौन सा आता है जब आपके पास दोनों पॉइंट्स, दोनों फोर्सेस की
जो बैलेंस हो जाती है दोनों फोर्सेस का, जो एक्ट होता है, जो नेट फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि जो बॉडी एट रेस्ट होती है, यानी कि अगर आप आराम कर रहे हैं तो आप कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहे होते, ठीक है। जब आप मूवमेंट शो नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों जो है वो बैलेंस हुई हुई होती है, इक्विलिब्रियम कायम हुआ होता है, उनके जो इफेक्ट है वो जीरो हुआ होता है, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो उस वक्त जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। आगे आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की डेफिनेशन है, तो वो देख लें। पिंक बॉक्स में अ बॉडी इज बैलेंस्ड, बॉडी बैलेंस होती है यानी कि वो इतदाल में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। इफ़ द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट, जब उसके ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस होती हैं, एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का टॉपिक था, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पिंक बॉक्स वाली, उसके बाद आप क्लॉकवाइज मूवमेंट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को डिफाइन करेंगे, और ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है आप वो एक्सपेरिमेंट शो करेंगे, ठीक है। आपको मैंने आगे क्वेश्चन लिखने की अरेंजमेंट बता दी है, वो इसी तरीके से होगी। सबसे पहले आप डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद आप क्लॉकवाइज मूवमेंट को डिफाइन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को डिफाइन करेंगे, नट और स्पैनर वाली 4.13 जो फिगर है वो आप ड्रॉ करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है क्विक क्विज जो आपके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स में। तो आप इसको देखें, कैन अ स्मॉल चाइल्ड प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन द सी सॉ, एक्सप्लेन हाउ। अब ये पूछते हैं कि क्या छोटा बच्चा जो है वो एक मोटे बच्चे के साथ सीसा पे खेल सकता है, यानी कि जो हम ये सीसा आपको जो साथ 4.14 फिगर है उसमें जो झूला टाइप बना हुआ है इसको कहते हैं सीसा, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि वो खेल सकता है। दे कैन प्ले, द फैट चाइल्ड हैज़ लार्ज वेट एंड लार्ज फोर्स, स्मॉल चाइल्ड हैज़ स्मॉल वेट एंड स्मॉल फोर्स, दस इन ऑर्डर टू प्ले लार्ज वेट शुड बी एट स्मॉल डिस्टेंस एंड स्मॉल वेट शुड बी एट लार्जर डिस्टेंस। आप ये देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो कितने ज़्यादा सेंटर से जो है वो कितने ज़्यादा फासले पे है, ठीक है, और जो बड़ा वाला बच्चा है यानी कि जो फैट बॉडी है वो सेंटर से कितने छोटे डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर खेलेंगे ये लोग तो ये इसी तरीके से इसी पॉइंट पे आके खेलेंगे, जब हमारे पास जो छोटा वाला बच्चा है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा और मोटा वाला बच्चा जो है वो स्मॉलर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो मैंने आपको इनके आंसर भी साथ में मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट वाले का आंसर यही है, यस वो खेल सकते हैं। इस सूरत में अगर हमारे पास जो बॉडी विद लार्ज फोर्स लार्ज वेट है वो स्मॉल डिस्टेंस पे हो, और बॉडी विद स्मॉल वेट जो है वो लार्जर डिस्टेंस पे हो, ठीक है। आप ये अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक मोटे और भरे भारी बच्चे को बिठाएं और एक छोटे और मतलब के लाइट वेट बच्चे को बिठाएं, तो आप इसी सूरत में वो सीसा बैलेंस होगा, जब आप उसको छोटे बच्चे को ज़्यादा डिस्टेंस पर बिठाएंगे और मोटे बच्चे को कम डिस्टेंस पर बिठाएंगे। हम नीचे नंबर टू पर देखते हैं कि वही क्या कह रहे हैं। टू चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द सीसा, दो बच्चे सीसा पर बैठे हैं, सच दैट दे कैन नॉट स्विंग, इस तरह के वो दोनों जुदा नहीं ले रहे, यानी कि वो दोनों एक ही लाइन में है, ठीक है। वॉट इज़ द नेट टॉर्क इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में उनके पास नेट टॉर्क क्या है, यानी कि दोनों के ऊपर जो है वो टॉर्क कौन सा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस सूरत हाल में जबकि वो नहीं ले रहे जुदा, तो इसका मतलब है कि वो दोनों बॉडीज रेस्ट पे हैं, तो यानी कि नेट टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। तो नेट टॉर्क इज़ ज़ीरो बिकॉज क्लॉक वाइज टॉर्क विल कैंसिल द अफेक्ट ऑफ एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क, ठीक है। तो हमारे पास बॉडी उसी सूरत में इक्विलिब्रियम पे होती है, उसी सूरत में जो है वो बैलेंस हुई हुई होती है, जब हमारे पास एक्टिंग नेट टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज मूवमेंट जो है वो ज़ीरो होता है, जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं। तो यही इसका आंसर है। अब हम इस टॉपिक को समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ करने के लिए हमें ये देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है। प्रिंसिपल अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें मूवमेंट्स हमने पहले देखने हैं कि मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं। क्लॉक वाइज मूवमेंट होती है, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट होती है। क्लॉक वाइज मूवमेंट कौन सी होती है, देन इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट क्या होती है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि जब सम ऑफ क्लॉक वाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि दे आर बैलेंस विद ईच अदर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्पैनर की एग्जाम्पल दी थी। स्पैनर की एग्जाम्पल में आप ये देखेंगे कि जब हम टाइट कर रहे हैं नट तो वो हमारे पास क्लॉक वाइज मूवमेंट है, और जब हम लूज कर रहे हैं नट को तो वो हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट है, ठीक है। तो वो उस सूरत में जो है वो एक दूसरे से बैलेंस होंगी, जब दोनों के
अफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, ठीक है, एंड दैट पोजिशन या दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट.